मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग इन वेस्ट बंगाल कोलकाता नहीं। मैं बार बार कोलकाता बोलती हूँ बट अभी हम फिलहाल कोलकाता में नहीं है, हम जीराट एक जगह है वहाँ पे हैं। तो जब कोलकाता जाएंगे तब बोलूँगी कि कोलकाता में हूँ, और अभी तो फिलहाल मैं एकदम जंगल के बीच में हूँ। है आशी, ये देखो एंड ये एक कुआ है जहाँ पे पहले पानी यूज़ होता था बट अभी यूज़ नहीं होता है। एंड यहाँ पे हर एक पेड़ है, मतलब यहाँ पे महोगनी है फिर और बहुत सारे नाम तो मुझे याद नहीं। कल ही मतलब जो यहाँ पे रहती है हमारी आंटी वो बोल रही थी महोगनी और बहुत कुछ है जो हमारे यहाँ वहाँ पे नॉर्मली घर में नहीं रहते। तो आशी आशी, तो मैं ब्रेकफास्ट करके आती हूँ उसके बाद मिलते हैं। आज का भी कुछ प्लान है, देखते हैं कितना दूर सक्सेसफुल होता है। कुछ नाम आछे এটা এটার বাবা এমনি তো নাম নেই, এটা পুরোটাই মানে তোর এটা তো ময়েন ছাড়া কিন্তু এটার মধ্যে কোনো ময়েন টেন কিছু দরকার নেই বুঝছো, কিন্তু এই রকম সাইজ হবে। আর কড়াটা এটা এটা কি করতে হবে, কড়াটা আগে গরম করতে হয় অল্প বুঝছো, একদম আগুনের মতো গরম না, হ্যাঁ অল্প গরম অল্প মানে ওই রকম গরম করে তারপর এটা দিতে হবে। দিয়ে তারপর পড়াটা যখন একটা সাইড একটু গরম হয়ে যাবে হ্যাঁ তখন তেল দিতে হয়। এটাকে আগুনটা এখন বাড়িয়ে দিলাম, এখন একটু কমাবো। হ্যাঁ পাপার ফেভারিট পরোটা, কোনটা খাবে যেটা খাবে সেটাই আর খাস্তা হয় এগুলো বুঝছো। तो अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, ये रहा जेठमिनी का हेल्थ का स्पेशल परोटा विद पाउडर दूध एंड चीनी। अभी कटिंग हो रहा है, मिस कोयल इज कटिंग सब्जी एंड डिस्टर्बिंग मी दर एंड मम्मी इज कटिंग। मम्मी की काटो कोचू कोचू खे तुम्हें हम बे घोचू। सो आज यहाँ पे बनेगा पोटल भापा जिसका रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी एंड आज सब वेज होगा। तो कोयल की तरफ नहीं जाते हुए हम वापस मम्मी की तरफ जाते हैं इसमें। तो अभी हम जा रहे हैं इसको धोने एंड वहाँ अंकल जा रहे हैं मेरे साथ, सो लेट्स गो। कोला पत्ता में आज हम खाएंगे। बोलिए सारे केले के पत्ते, और आज हम लंच करेंगे इसमें। विलेज एरिया में आओ तो विलेज के जैसे रहो। अभी ब्रेकफास्ट किया एंड ये रहा, इसको बंगाली में पुकुर बोलते हैं, पुचको नहीं बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं बट हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता। तो मैं पॉन्ड बोल के इसको बोल लो। और यहाँ पे मछली है, क्रैब है, सब है इसमें, मतलब इस घाट के एरिया में नहीं मिलता है बट उस सारे जगह में मिलता है। और लास्ट टाइम मैं जब आई थी मुझे याद है जहाँ यहाँ जो आंटी रहते हैं ना उन्होंने सॉसपेन से एक क्रैब को पकड़ा था, मतलब क्या टैलेंट है। तभी भाई यहाँ पे नहाएगा और फिर हम, मेरा तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी ये ब्रेकफास्ट करेगा। तो अभी इसका दंत मंजन हो रहा है एंड अभी फ़िलहाल सुबह के लिए कोई प्लान नहीं है कहीं बाहर जाने का। पापा उन लोगों का कुछ काम है, वो लोग निकलेंगे एंड हम शाम को जाएंगे एक जगह, थोड़ा वो हिस्टोरिकल प्लेस है तो मैं जाऊंगी। मैं गई थी पहले भी तो मुझे फिर से जाना है तो मैं दिखाऊंगी। उतना मतलब स्पेशल कुछ नहीं है बट कोई भी पुराना चीज़ हो तो उसका स्पेशलिटी वैसे भी बढ़ जाता है। तो जाएंगे शाम को अभी, और दोपहर को मैं सोच रही हूँ ये पूरा जगह घूमूंगी क्योंकि मैं कल नहीं घूम पाई पूरा जगह, और वीडियो भी बनाऊंगी। इतना ग्रीनरी है ना, मतलब हमारे वहाँ पे इतना ग्रीनरी नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है मतलब। और एक चीज़ यहाँ पे ना, खाना इतना मतलब जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है मतलब। तो
जो आंटी है ना वही बोल रही थी कि यहाँ पे पानी मतलब इतना अच्छा है यहाँ पे पानी की वजह से मतलब कोई मतलब गैस्ट्रिक वैसे प्रॉब्लम्स नहीं होते, कुछ भी खाओ मतलब, पर वो सब प्रॉब्लम नहीं होते, हर मतलब डाइजेस्ट हो जाते हैं सब वहाँ पे। मुझे एक फील्ड दिख रहा है और वो फुटबॉल का जैसे वो होता है ना जहाँ पे वो लोग गोल करते हैं वैसा एक बनाया हुआ है यहाँ पे। मतलब अप्रोक्सीमेटली हर घर में ऐसे पॉन्ड होता ही है, ये तो नॉर्मल है। कोई मच देखा जाए बना ना मच छोटो छोटो बंगाली में एक फिश है टेंगरा मच बोलते हैं, यहाँ पे बहुत है, क्रैब तो बहुत है। कल रात को मैं जब आई थी मतलब हम जब घूम के आए फिर यहाँ पे थे तब यहाँ पे बहुत सारा था। কি করছিস বসে বসে? কেন তোমাকে কোনো কৌতো মানে মাজো আর কোনটা মাজো কোনটা মাজো বাম নামে নিজে হালকা হালকা ফুলকা বললাম কালকে আসতেছে আমার তো কড়াই মাজে দুটো চাষবে না আমি মাজলাম মহা শয়তান তুই শয়তান না হারামি সূর্যের আলোটা কি ভালো क्या है नहाना वगैरह एंड हम लोग वहाँ पे नहाए हैं आज। मतलब थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि मतलब बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, बट ठीक है अच्छा लगता है नया एक्सपीरियंस। नहीं मुझे है एक्सपीरियंस, मैंने पहले भी नहाया, मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, दीदी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी होगा पूजा, चेंज करके पूजा पाठ करते हैं। नीलकंठ शिखर, तो मम्मी यहाँ से पेड़ से निकाल रही है फूल, मतलब तोड़ रही है, क्या निकाल रही है बोले, फूल तोड़ रही है और अभी पूजा के लिए चाहिए। वो नीलकंठ फ्लावर जो होता है ब्लू कलर का, और वहाँ पे एक वाइट फ्लावर का पेड़ है, वो भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, और यहाँ पे ब्लू कलर का फ्लावर होता है, और वहाँ पे है एक वो वाला, वो ये जहाँ पे मेरा उंगली है वो है बेल पत्ता का पेड़, मतलब बेल का पेड़, एंड यहाँ पे एक नींबू का पेड़ है, और ये सब तो है वो बीटल नट जो है असम में तांबुल बोलते हैं उसका, द फेमस तांबुल, वहाँ पे नारियल का पेड़, बहुत कुछ है। ये है धोत्रा फूल जो होता है जो शिव जी को देते हैं उसका पेड़, देखिए फ्लावर गुली की की। नीलकंठ, वाइट फ्लावर, बेलपत्ता एंड धोत्रा
गुटी धोत्रा गुटी ना एंड इसको बोलते हैं धोत्रा गुटी जिससे धोत्रा फ्लावर होता है शिव जी का फेवरेट चेंज कर लिया है अभी एंड अभी यहाँ पे हम मतलब जो इन लोगों का पूजा घर है वहाँ पे पूजा करेंगे एंड यहाँ पे जो शिव जी है उसकी भी एक स्टोरी है सुनाऊंगी मैं बाद में तो अभी पहले पूजा वगैरह करते हैं और आज मंडे भी है दिन भी अच्छा है तो वो कर लेते हैं वैसे मैं एक छोटा सा क्लिप दे देती हूँ कि मतलब कैसा है और मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं जागरूक तो वो ही है मतलब वैसा ही है तो लेट्स गेट तो यहाँ पे हो रहा है लंच अभी पापा अंकल वो लोग लंच कर रहे हैं और आज मंडे है तो सारे आइटम वेज है और सारे जेठमुनी के हाथ के स्पेशल आइटम्स है तो लंच वेज होने के बावजूद भी अच्छा हो रहा है एंड इसके बाद हम करेंगे लंच पहले ये लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था स्टोरेज को लेके तो फिर मुझे सारे फोटोज़ दूसरे फ़ोन में शिफ्ट करना पड़ा तो वो सब करते करते थोड़ा सा लेट हो गया तो ये वाला व्लॉग मैं अभी यहाँ पे एंड कर रही हूँ आई होप यू लाइक द वीडियो और आज सुबह से मैं दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना बाय बाय एवरी वन